ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति का क्या करना है जो जेल में जाके वहाँ पे दारू के उस और जो है नशे के चक्कर में जेल के अंदर बंद रहते हैं, और उन्हें वो पढ़ा लिखा बेस्ट है कि जो जो है अच्छे काम कर रहा है वो पढ़ा लिखा बेस्ट है। रही बात है एजुकेशन की, तो कौन कह रहा है कि मोदी जी नहीं पढ़े हैं? आपने डॉक्यूमेंट देखे केजरीवाल जी? आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भारत की जो है 1,35,00,000 जनता, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, और मोदी जी भी पढ़े रही हैं और काफ़ी अच्छा शासन चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का और समझदारी का तो आपस में कोई लिंक है ही नहीं ना। तो अब जो इन्हें लिंक करने की कोशिश कर रहा है, वैसे दिल्ली बहुत पढ़े लिखे थे, वो फ्री बिजली पानी के चक्कर में कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है कि वो समझदार भी होगा। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वैसे अभी विपक्ष के पास तो कोई दूसरा नेता है नहीं जो मोदी जी को टक्कर दे, तो अभी तो चांस मोदी जी के ही लग रहे हैं। ये अभी 24 को लेकर तैयारी तेज हो रही है और कहा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपनी जान फूंक रही हैं कि 24 का चुनाव कौन फतह करेगा, यानी कि किले को कौन फतह करेगा। जाहिर सी बात है, जनता जिसको समर्थन देगी वो पार्टी सरताज चुनी जाएगी। ऐसे में देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश के अंदर अभी घूम रहे हैं। एक तो राहुल गांधी का मुद्दा है और एक तरफ केजरीवाल भी अभी कटघरे में खड़े इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने कुछ खुलासे कर दिए हैं। अब इसको लेकर देखिए आम जनता काफी मौजूद है मेरे पीछे और यहाँ पर दिल्ली की आम जनता से पूछेंगे और देखिए कई दूर दूर से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, तो कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान बेहतर तरीके से होगा। ऐसे में कई राज्य के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए विविधता में एकता कहा जाता है भारत में, तो हम चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कहाँ से आया है और इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है। तो एक एक करके हम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या खास होने वाला है। सर क्या नाम है, कहाँ से आए? अरविंद सिंह, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से, ये बताइए सर कि 24 के चुनाव के बीच में क्या लग रहा है? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जी दोबारा रिपीट करके नरेंद्र मोदी जी को ही बनना चाहिए क्योंकि देश के जो है उन्हें काफी विकास किया। आज हम यहाँ विकास देख रहे हैं चारों तरफ। क्या विकास देख रहे हैं, क्या वैसे दावे और क्या वैसे वजह है जो आप चाह रहे हैं कि वापस से प्रधानमंत्री? आप रोडों के मामले में देख लीजिए, हाईवे के मामले में देख लीजिए, इंडिया में नंबर वन हाईवे बनाए हुए हैं जिन पर हाई स्पीड गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, और आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में IIMs और एम्स वगैरह कई उन्होंने जो नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट दिए हैं, काफ़ी अगर अपन करें सेना की बात तो सेना के मामले में भी काफ़ी लोग जो है सेना हमारी काफ़ी हद तक मजबूत हुई है। आज हमारा कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड में टॉप 5 में नाम जो है उछल कर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है और भारत की जनता की देन है। अच्छा, लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है और देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। सिसोदिया ने जेल के अंदर से ये बातें लिखी है, क्या कहेंगे? ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति का क्या करना है जो जेल में जाके वहाँ पे दारू के उस और जो है नशे के चक्कर में जेल के अंदर बंद रहते हैं, और उन्हें वो पढ़ा लिखा बेस्ट है कि जो जो है अच्छे काम कर रहा है वो पढ़ा लिखा बेस्ट है। पढ़ा लिखा आप किसको मानेंगे? एजुकेशन दी किसके लिए जाती है कि आप सभ्यता के और मैनर्स के काम करें? आप दारू बेचे पढ़े लिखे होकर के, ये कहाँ का बेटर काम है? पढ़ाई लिखाई इसलिए की जाती है कि दारू बेचना चाहिए। अच्छा। रही बात है एजुकेशन की, तो कौन कह रहा है कि मोदी जी नहीं पढ़े हैं? आपने डॉक्यूमेंट देखे केजरीवाल जी? आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भारत की जो है 1,35,00,000 जनता, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, और मोदी जी भी पढ़े रही हैं और काफ़ी अच्छा शासन चला रहे हैं। अच्छा। जी अच्छा, और ये बताइए अभी विपक्ष में आपको मुकाबले में कौन नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ अभी राहुल गांधी की जो सांसदी गई है उस पर उस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है कि ये गलत हुआ है जबकि न्यायपालिका के तहत कार्रवाई हुई है, आम जनता क्या रिख रही है? मेरे विचार से जो न्यायपालिका की बात है तो उन्हीं के अनुसार उन्होंने डिसीजन दिया है, न्यायपालिका ने डिसीजन दिया है तो सही दिया है, बाकी और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी विपक्ष में उनके सामने कोई मजबूती के साथ खड़ा नहीं है, चाहे वो कितनी भी पार्टियां 24 के लिए तैयार इकट्ठी होकर के, आपने देखा कि पिछले चुनाव में कई पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, उसके बावजूद भी मोदी जी को और तरक्की मतलब सीटों में बढ़ोतरी हुई है। हाँ। तो ये मैं मान सकता हूँ कि अभी फिलहाल उनके टक्कर में कोई नहीं है, है। मोदी जी इज द नंबर वन लीडर से। अच्छा, लग रहा है कि बीजेपी अगर आएगी, मोदी जी आते हैं वापस से, तो देश का विकास होगा 101% हो रहा है, होगा और होता जाएगा। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से? खानपुर से आया हूँ, नाम दुष्यंत है। अच्छा, ये बताइए दुष्यंत जी कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आप प्रधानमंत्री किसको बनता दिख रहे हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी जी, और तो कोई है नहीं। क्यों नहीं कोई और है, क्या वजह है? कौन है अल्टरनेट ऑप्शन? हाँ। कौन है? बहुत सारे लोग हैं जो जैसे जैसे नीतीश कुमार है और राहुल गांधी की तो सांसद चली गई है। हाँ, तो 2036 में शायद उनका, तो उससे पहले तो खत्म ही हो गया। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि आप चाह रहे हैं वापस वही है? कंपटीशन में कोई नहीं है ना। हाँ। अकेले दौड़ रहे हैं तो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। हाँ।
और तमाम अच्छे राजनीतिज्ञ वही होता है ना जो कंपटीशन ही खत्म कर दे, तो उन्होंने 6 साल यही किया, उन्होंने कंपटीशन ही खत्म कर दिया मार्केट से पूरा। अच्छा। है कौन उनके सामने? हाँ। नीतीश कुमार है, उनके सिर्फ बिहार में जो थोड़ी बहुत है, और आजकल जैसे हालात चल रहे हैं वो बहुत अच्छे, तो स्कोप नहीं है कि वो बिहार में भी दोबारा आ पाएंगे। अच्छा ठीक है। दुष्यंत जी ये बताइए कि अगर आप राजनीति में नजर रखते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं पूर्व जो अब इस्तीफा दे दिया, मनीष सिसोदिया की बात कर रही हूँ, उन्होंने जेल के अंदर से लिखा है कि प्रधानमंत्री बिना पढ़ा लिखा बहुत खतरनाक है, क्या कहेंगे? पढ़ाई लिखाई का और समझदारी का तो आपस में कोई लिंक है ही नहीं ना। हाँ। तो अब जो इन्हें लिंक करने की कोशिश कर रहा है, वैसे दिल्ली बहुत पढ़े लिखे थे, वो फ्री बिजली पानी के चक्कर में कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है कि वो समझदार भी होगा। हाँ। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। स्कूल में समझदारी नहीं सिखाई जाती। और राहुल गांधी की जो सांसदी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बखेड़ा कर रही है कि दबाव बनाया जा रहा है और लोकतंत्र खतरे में है, ये बताइए लोकतंत्र की तस्वीर कैसी नजर आ रही है अभी फिलहाल? वैसे राहुल गांधी वाले केस में तो बीजेपी का नुकसान ज्यादा है। कैसे नुकसान है बताइए? जहां राहुल गांधी जाते थे अपनी पार्टी का प्रचार करने, वहीं पे बीजेपी को ज़्यादा सीट मिल जाती है। हाँ। तो ये तो टेक्निकली बीजेपी का नुकसान है। हाँ। तो इसके लिए तो बीजेपी को बल्कि कोर्ट में जाना चाहिए कि इनके जो रद्द किए उन्होंने उस पर थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो, 6 महीने 7 महीने में फ्री कर दो, बच्चे हैं गलती हो जाती है। ठीक है ठीक है। सर आप कहाँ से आए, क्या नाम आपका? मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार। मैं संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जी बताइए, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि 24 में प्रधानमंत्री के पद पर किसको देखना चाह रहे हैं, क्या उम्मीदें बड़ी हुई? हम तो जी मोदी जी को देखना चाहते हैं, हमारी देश की तरक्की में जो उनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। मतलब जैसे सड़कें और ऐसे काम चल रहे हैं पूरे देश में। हाँ। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हों। अच्छा। हाँ जी। और ये बताइए कि अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, खतरनाक हैं, पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, किस तरीके से? देखिए अरविंद केजरीवाल जी का अलग मत है अपना, वो चाहते हैं कि बस मेरी ही यहाँ पर वो रहे। लेकिन मोदी जी का जो कार्यकाल है वो अच्छा रहा है, उसे देखते हुए हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आगे भी आए, सन 2024 में भी मोदी जी ही आए। देखिए पूरा कांग्रेस और विपक्ष एकजुट अभी नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन कवायद तेज है कि एकजुट नजर आएगा। ये बताइए राहुल गांधी की जो सांसदी गई है इसके पीछे विपक्ष का ये करारा हमला प्रधानमंत्री पर है कि ये सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो पाया है, जबकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है न्यायपालिका के तहत कार्रवाई हुई है, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ा है? क्योंकि देखिए कांग्रेस बोल रही है कि आम जनता समझदार है, वो जानती है कि ये प्रधानमंत्री के दबाव में हो रहा है, और इधर बीजेपी कह रही है कि आम जनता समझदार है कि 24 में वोट किसको किसको वोट देंगे। हम क्या लगता है उनकी जो सांसदी गई है क्या वजह है? जिस प्रकार हमारे देश में कार्य हो रहे हैं उसे देखते हुए तो हम मोदी जी को ही वोट करना चाहेंगे। मतलब तरक्की देश की हो रही है। कौन से विभागों में सबसे ज्यादा तरक्की हुई है और आपने देखा कि भारत की तस्वीर बदल कर आई है, वो बताइए आम जनता की नजर में अभी तक क्या आ पाया है? आप देख सकते हैं पहले सड़कों का क्या हाल था और अब क्या है। हम तुरंत दिल्ली से दिल्ली से देहरादून हम कुछ ही मिनटों में फटाफट चले जाते हैं, प्लेन से सड़क से इतने पुल बन गए हैं और इतना काम लगातार जब से ही चल रहा है, भले ही महंगाई बढ़ गई हो लेकिन कार्य जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। बस ये और मुकाबले में कौन है क्या लगता है? मुकाबला तो देखिए जो भी अच्छा काम करेगा पब्लिक तो ये देखती है कि काम कौन कर रहा है, जो काम अच्छा करेगा पब्लिक वोट उसको करेगी, चाहे उसमें राहुल गांधी ही क्यों ना हो, ये है ना। सर आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। ये बताइए सर कि अभी 24 में रेस चालू हो चुकी है विपक्षियों का पक्ष का, ये बताइए कि अभी कौन सी पार्टी को आपका समर्थन, और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि 24 में प्रधानमंत्री के पद पर किसको देखना चाह रहे हैं? वैसे अभी विपक्ष के पास तो कोई दूसरा नेता है नहीं जो मोदी जी को टक्कर दे। हाँ। तो अभी तो चांस मोदी जी के ही लग रहे हैं फिलहाल तो। मोदी के चांस क्यों लग रहे हैं सर ये बताइए, और क्या वो तमाम वजह है कि आम जनता सोच रही है कि एक बार फिर से वही चुन कर मोदी जी इसलिए आ सकते हैं? एक तो वो जिस जो अपना उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो काम किया है उन्होंने बहुत बेटर किया है, और विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनको टक्कर दे सके, और विपक्ष में एक आपस में भी फूट पड़ी हुई है। हाँ। सब चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, ये एक बेसिक रीजन है उसके। हाँ। पीछे तो अगर मोदी जी को अगर हराना है तो उनको एकजुट होना पड़ेगा, और उसके लिए कोई स्पेशल उनको सोचना पड़ेगा कि हम मोदी जी के खिलाफ क्या ऐसा एक्शन लें या ऐसा कोई मुद्दा लाएँ जो वाकई में उनको हरा सके। अच्छा सर ये बताइए कि अभी जो राहुल गांधी की सांसदी गई है तो विपक्ष का कहना है खास तौर पर कांग्रेस का कि मोदी जी के दबाव में हो रहा है, क्या ये बात सच है? हाँ इसको किस कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं सही सच है वो।
क्योंकि सदस्यता रद्द करना भी एक हद तक ठीक नहीं है। अगर विपक्ष ताकतवर हो रहा है तो उससे लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब कहाँ से है सर, क्या नाम है? राजस्थान। राजस्थान से। कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी नया प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेगा। क्यों बनने चाहिए मोदी? नहीं, अच्छा काम करे तो बनेगा ना मोदी तो। अच्छे काम करे। विपक्ष तो कह रहा है काम नहीं करा। विपक्ष कह रहा है कि अभी राहुल गांधी की जो सांसदी गई है उनकी वजह से गई है, न्यायपालिका के तहत कार्रवाई हुई है। आम जनता क्या देख रही है? वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, वो अभी कुछ बोलने में कुछ होता नहीं है। हाँ। पर वो आएगा मोदी जी। हाँ जी। अच्छा वो ये बताइए जरा दर्शकों को, कौन कौन से वो काम बेहतर हुए हैं जो आपने देखा है कि कामों में सुधार हुआ है और यही वजह है कि आप चाह रहे वापस से प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे? काम तो अच्छा किया तभी तो कुर्सी पे बैठेंगे ना, ऐसा तो कोई बैठेगा नहीं। हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो कुर्सी पे बैठेंगे। हाँ। यही बात है। मुकाबले में और किसको देख रहे हैं? मुकाबला भी मोदी से अलावा कोई मुकाबला नहीं। ये होगी जी, योगी जी। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर एनपी चौधरी गाजियाबाद से। डॉक्टर जी ये बताइए कि अभी 24 के चुनाव को लेकर तैयारी तेज है, किसको अगला प्रधानमंत्री देख रहे हैं? देखिए हमारे लिए तो मेडिकली ज्यादा, हमें कुछ ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट है नहीं, फिर भी नहीं। टिप्पणी तो मेरा ये है कि जो भी सरकारें हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम करें। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, वहाँ और सुविधाएं होनी चाहिए, नए हॉस्पिटल्स वहाँ पे खुलने चाहिए, नई सीएससी खुलनी चाहिए जहाँ पे जाकर डॉक्टर्स गांव के लोगों की सेवा दे सकें। क्योंकि गाँव में अभी तक कितना भी हमारा देश बढ़ जाए, एजुकेशन आ गया, शिक्षा हो गया, राजनीति के चक्कर में नेता चेंज हो रहे हैं, सरकारें चेंज हो रही हैं, और आम जनता और गरीबों के लिए कोई नहीं सोच रहा है, उनके लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। सब वादे करते हैं, वहाँ पहुँचते नहीं है। इवन डॉक्टर्स भी परेशान हैं, हमारे लिए भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं हो पा रही। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में स्ट्राइक चल रहा है डॉक्टर्स का, क्योंकि बट ये है कि सरकार किसी की भी है, मैं यही चाहूँगा कि गाँव में सुविधाएँ मिलें, जो ग्रामीण के लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाए, गरीबों को ध्यान दिया जाए, जो नेता वादा करते हैं वहाँ तक सुविधाएं पहुँचें। बस अपने कहीं ना कहीं प्रोफेशन के हिसाब से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि यही गुंजाइश होनी चाहिए, यही सरकारों का काम होना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा गांव-गांव तक पहुँचे। सर लगता है आप राजनीति में बहुत ज़्यादा कॉमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये भी बता दीजिए कि आपको मुकाबले में और कौन नज़र आ रहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर? मुझे नहीं लगता कि अभी मोदी जी के अलावा कोई दूसरा है, मुझे लगता है क्योंकि जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। डॉक्टर्स आयुष के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और मेडिकल फैकल्टीज के लिए, मेडिकल साइंस के लिए बहुत ज्यादा अब की बार बजट में उन्होंने पैसा रखा, हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचा है। इससे सुविधा नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल नजर आ रही है। अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, पर आने वाले साल दो साल में मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो तक, मतलब हर गांव तक मेडिकल सुविधा अच्छी तरह पहुंच जाएगी। मोदी जी होने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।